हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। ये संडे का ब्लॉग है। मैं अपनी फ्रेंड के घर जा रही हूँ, तो मैं उसके बिल्डिंग में एंटर कर चुकी हूँ। यहाँ पे हम करेंगे अपनी कार पार्क उसके का अपार्टमेंट के पार्किंग में। उसके बाद हम जाएंगे बाय वॉक कलर फेस्ट के लिए टेंपल में। और यहाँ पे आप बच्चों को देख सकते हैं, बच्चे बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हैं। ये तो सिर्फ इंडिया में देखने को मिलता है, ये कंधे पे जाना। तो बस इसी टेम्पल में ही कलर फेस्ट था, तो हम जा रहे हैं अभी। और ये इस्कॉन टेम्पल है, तो आप वो तो आपको दिख ही रहा होगा। और मैं शादी के बाद 8 ईयर्स के बाद होली सेलिब्रेट करने के लिए जा रही हूँ। तो बस हम यहाँ से अपना रिस्ट बैंड लेंगे और अपना होली खेलना जो भी है स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ लोग रंग के साथ रंग गुलाल उड़ा रहे हैं, ढोल ताशे पे डांस कर रहे हैं। और आस्था भी अपनी फ्रेंड के साथ यहाँ पर स्टार्ट हो गई थी। सबसे पहले कलर वो पापा को ही लगाई थी, तो और मैं थोड़ा मुँह को लेके साइड में थी क्योंकि विंडी वेदर था और जो कलर्स हैं वो आईज़ और नोज़ में जा रहे थे। तो फुल होली वाला माहौल हो गया था, लग रहा था कि मार्च है और हम होली खेल रहे हैं। यहाँ पे मेरी फ्रेंड है मेरे साथ, और फिर उसके बाद यहाँ पे हम लोग फिर से आ गए डांस करने के लिए। डांस करने के बाद हम लोग मैं फिर से वापस चली गई अमू के पास। तो यहाँ पे मेरी फ्रेंड और उसकी बेटी अमू को कलर लगा रहे हैं। तो कलर से तो वैसे अमू को बचना ही नहीं था, कोई ना कोई तो लगाना ही था। तो बस मुझे भी लगा कि चलो फर्स्ट होली है इसका, तो अच्छा है इसके लिए। तो बस यहाँ पे मेरे फ्रेंड सारे डांस कर रहे हैं, वहाँ संकेत भी हैं, और मैं अमू को लेके यहाँ पे वीडियो बनाने लगी क्योंकि मैं अकेले थी, बोर हो रही थी। तो बस मैं स्टार्ट हो गई। फिर हमने यहाँ पे थोड़ा म्यूज़िक इंजॉय किया, और ये मतलब जैसा ये म्यूज़िक था माइंड ब्लोइंग था, मतलब बहुत इंटरटेन कर रहे थे। और यहाँ पे सब आप देख सकते हैं कितना कलरफुल लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा था। मैं इंडिया को बहुत मिस कर रही थी इस टाइम की। मैं मतलब अगर मैं इंडिया में होती तो मतलब बात ही कुछ और होती, पर हाँ यहाँ पे फ्रेंड्स भी फैमिली ही हैं तो मुझे वैसा कुछ लगा नहीं। लेकिन हाँ मैं एक बार थोड़ा मिस की, बस आप देख सकते हैं यहाँ म्यूजिक चल रहा है और साइड लोग कलर से खेल रहे हैं। और यहाँ पे संकेत और आस्था कलरफुल हो गए। उसके बाद हमने म्यूजिक और आस्था को चाहिए था कॉटन कैंडी, तो मैं यहाँ पे आ गई उसके लिए कॉटन कैंडी लेने के लिए। और इसको देख के किस किस को अपना बचपन याद आ रहा है। पहले हम बचपन में खाते थे, मैं पहले बचपन में इंडिया में खाती थी, आस्था को खिलाया जा रहा है अब। तो यहाँ पे आस्था अपनी फ्रेंड के साथ कॉटन कैंडी खा रही और डांस भी कर रही है। मैं अमू के लिए भी ली थी पर उसको पसंद नहीं आया, तो फिर यहाँ पे आस्था उसका कॉटन कैंडी लेके फिर से खाई। और फिर हम अपने लिए ऑर्डर किए डोसा और समोसा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अमू भी समोसा खा रही है और संकेत भी खा रहे हैं, और समोसा बहुत टेस्टी था। और वो जो टेंट आपको दिख रहा है ना, वहाँ पे वो सारा इवेंट चल रहा था। और ये है
टेम्पल। मैं अभी तक टेम्पल के अंदर नहीं गई हूँ, तो अभी हम फिर से इंजॉय करने के लिए चले गए म्यूज़िक। तो बस ये लास्ट रंग और गुलाल लगा के हमने होली को किया ख़त्म और हमारा संडे बहुत ही अच्छा गया। तो यहाँ पे बच्चे रेल गाड़ी वाला गेम खेल रहे थे, छुक 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 वाला, क्योंकि वो एक डांस अभी हुआ था वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी। उसके बाद हम लोग सब निकल गए अपने घर के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।